सालों के इंतजार के बाद राजधानी रांची में हज हाउस की तामीर मुकम्मल हो गई है। पहली बार आजमीन हज के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन भी इसी हज हाउस में किया गया है। हालांकि कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से हज कमेटी को हज हाउस हैंडओवर नहीं किया जा सका है। अब इस काम में तेजी लाने के लिए जुडको और हज कमेटी के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। हज कमेटी के अध्यक्ष रिजवान खान कहते हैं कि हज हाउस कमेटी के अधीन आ जाने से हज यात्रियों को परेशानियों से निजात मिल जाएगी। हम राज्य सरकार को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब हमारी जिम्मेवारी है झारखंड स्टेट हज कमेटी की इको व्यवस्थित रखे और तमाम आजमीन को बेहतर से बेहतर सुविधा दे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और पूरी कमेटी एक टीम भावना से अच्छा इसको व्यवस्थित रखेगी और सुचारू रूप से चलाएगी। कमेटी का आयोग अपना, हम लोग हज कमेटी के जितने मेंबर हैं सारे लोग, हम लोग अपना कमेटी का जितने जो व्यवस्था है, बिजली नहीं है, दरी नहीं है, नमाज पढ़ने के जर नमाज नहीं है, चेयर नहीं है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कमी है, बिजली नहीं है, तो उस सब अब हम लोग वो सबको पूरा करेंगे। हज कमेटी के सीईओ परवेज इब्राहिम कहते हैं कि हज हाउस को हैंडओवर लेने से पहले तमाम बारीकियों को समझना जरूरी है। यही वजह है कि जुडको के साथ उनकी लगातार बैठक चल रही है। उन्होंने कहा है कि कमेटी के अधीन हज हाउस आ जाने से जहां उसके रखरखाव में आसानी होगी, वहीं हज यात्रियों को भी सुविधा होगी। पेपर्स वो उन्होंने कहा कि आज ला करके दे देंगे और इसको जमा करा करके सब, इतना ज़्यादा इसमें खर्च होगा क्योंकि पांच फ्लोर का है और सेंट्रल एसी है और बड़े बड़े फ़ैन आप देख रहे हैं, जो डोमेस्टिक फ़ैन नहीं है यहाँ लगे हुए, तो इसमें बिजली की भी बड़ी खपत है। और 19 तारीख से हमारे आज़मीन हज जिनको जाना है हज में, वो यहाँ आ जाएंगे। सब लोगों के रहने का इंतज़ाम यहीं पर हो रहा है। अभी टेम्प्रोरी ऑफिस भी हम नहीं खोल पाए हैं, जबकि हमको यहाँ पर परमानेंट ऑफिस खोलना। खास बात ये है कि अब तक हज हाउस को स्थायी तौर पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, साथ ही रखरखाव और मेंटेनेंस के लिए निर्णय भी नहीं लिए जा सके हैं। हज हाउस को लेकर यहाँ मांग भी है कि हज के बाद के महीनों में हज हाउस का सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ शहनवाज, न्यूज 11, रांची।